संभल पुलवामा हमले के शहीदों को किया गया याद, पुरुष व महिलाओं ने मिलकर निकाला कैंडल मार्च। जनपद संभल की तहसील गुन्नौर के कस्बा बबराला में दिन शुक्रवार को याद कर पुरुष व महिलाओं ने निकाला कैंडल मार्च। सेना के सम्मान में भारी संख्या में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। बबराला रेलवे स्टेशन से इंदिरा चौक तक लोगों ने पीछे हुए 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए हमले को लेकर निकाला गया कैंडल मार्च। दीपक यादव ने बताया कि बीते पुलवामा हमले को एक साल पूरा हो गया है। आज का दिन पुलवामा हमले की वजह से हमारे देश के लिए किसी काले दिन से ज्यादा नहीं है। उन्होंने बताया कि आज ही के दिन जम्मू कश्मीर में पुलवामा में हुए आत्मघाती आतंकी भारत के 40 वीर जवान शहीद हुए थे। लोगों ने 14 फरवरी को याद कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर दीपक यादव, गोलू यादव, अवनीश, पिंकी यादव, सरोज यादव आदि लोग उपस्थित रहे। आपने आज गिन्नौर कस्बा बबराला में कैंडल मार्च निकाला है, क्या पूरा मामला होता? कैंडल मार्च पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को जो घटना हुई थी और उसमें हमारे 8 सैनिक बलों के जो जवान मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उनकी पेंशन की मांग करने के लिए कैंडल मार्च आयोजित किया गया। मतलब जैसे कि आपने आज गिन्नौर के कस्बा बबराला में कैंडल मार्च निकाला है, क्या है पूरा ये मामला? 14 फरवरी 2019 को भारत के 40 अर्धसैनिक बल जवान कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए थे, आज उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए ये कैंडल मार्च निकाला गया है। अटेवा पेंशन, पुरानी पेंशन बहाली एक मंच है जो पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार आंदोलनरत है। भारत के अर्धसैनिक बलों को पेंशन भारत सरकार द्वारा 2004 से बंद कर दी गई है, साथ ही साथ अन्य कर्मचारी भी बंद कर दी गई है। आज उन परिवारों को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि देने के लिए आज सरकार से हम लोग मांग करते हैं, हमारी नहीं तो कम से कम हमारे अर्धसैनिक बलों की पेंशन बहाल कर दी जाए ताकि उनके परिवारों को परिवार भरण पोषण में कोई दिक्कत ना हो। पर पुरानी पेंशन एक ऐसी पेंशन व्यवस्था है जिसमें रिटायर होने के बाद सभी को एक निश्चित जो वेतन होता है उसका आधा वेतन पेंशन के रूप में आजीवन दिया जाता है। उनकी पत्नी को भी पारिवारिक पेंशन के रूप में वह धनराशि दी जाती है जिससे कि उनकी पढ़ाई लिखाई, भरण पोषण, जीवन यापन में कोई दिक्कत ना हो। आज हम अर्धसैनिक बलों के लिए बहुत ही कष्टमय स्थिति में है कि आज हमारे अर्धसैनिक बल रोज जैसे 40 वहाँ पुलवामा में शहीद हुए उसके बाद लगातार शहीद हो रहे हैं, उनके लिए तो कम से कम पुरानी पेंशन बहाल की जाए। और आज हम इसी मांग को लेकर ये मार्च निकाला है और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी के साथ